अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुमान अली टेक्निकल चैनल। और बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए कि रिमोट डेस्कटॉप नहीं चल रहा और ये वो वाला कोड नहीं है जो आपने वीडियो में दिखाया, और वाकई रिमोट डेस्कटॉप नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहा, आखिर क्या वजह है? तो आए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं अपने कोड को चलाता हूँ और देखते हैं क्या ये जो आप बता रहे हो प्रॉब्लम इसमें आ रही है मेरे पास भी, और अगर आ रही है मेरे पास तो उसका हल क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज सबसे पहले मैं आईपी लिखता हूँ। ओके, पासवर्ड, और मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। तो बात तो सच, RDP तो नहीं कनेक्ट हो रहा, तो फिर आखिर मसला क्या है? तो चले चेक करते हैं कि मसला क्या है। RDP आखिर मेरे पास नहीं चल रहा, मेरे वाले कोड में नहीं चल रहा, तो आपके पास कैसे चलेगा मेरे भाई? तो चलो चेक करते हैं। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और कोड को यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, services.msc में जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मुझे देखना है कि क्या मेरी RDP सर्विसेज सारी चल रही है। ये मोड डेस्कटॉप आपने R प्रेस करना है और जितनी भी RDP सर्विसेज है ना, आपने मेक श्योर करना है कि वो रन हो। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपकी यहाँ पर सारी चलनी चाहिए, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपके पास आ रही है। ठीक है, और सारी सर्विसेज रनिंग में होनी चाहिए रिमोट डेस्कटॉप वाली, मेक श्योर कर लें। उसके बाद क्या करना है कि आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, सिस्टम सिक्योरिटी, विंडोज डिफाइंडर, फायरवॉल। ठीक है, इसके अंदर जाकर आपने ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है अलाउ एन ऐप फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे R प्रेस करना है और आपने देखना है कि क्या रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज यहाँ से आपकी ट्रू है ये वाली। अच्छा, सर्विसेज MSC में भी सारी सर्विसेज रन है और फायरवॉल से भी रन है, तो फिर दोबारा प्ले करके देखते हैं कि क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर कोड के पास आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं IP। तो एक बार फिर कनेक्ट करते हैं। तो अब की बार भी मेरा RDP नहीं चला, तो ठीक है ना, आप सब ठीक कह रहे हो कि RDP क्यों नहीं चलता। तो आखिर क्यों नहीं चलता RDP, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और कोड में आते हैं। ठीक है, कनेक्ट नाउ के बटन के पीछे मैंने कोड किया था कि जो IP एड्रेस है वो टेक्स्ट बुक से लिया जाए और पासवर्ड विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करो एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर भी RDP नहीं चलता, तो मैं यहाँ पे एक लाइन का इजाफा करूँगा, मैं लिखूँगा RDP। ठीक है, RDP.advanced setting। एडवांस सेटिंग बहुत सारी हैं, मैं यहाँ से 9 वाली एडवांस सेटिंग यूज़ करूँगा। ठीक है, RDP 9, और उसके बाद मैं लिखूँगा कि इसमें RDP 9 इनेबल करो, ये वाली सेटिंग इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे किया मैंने सेव। एक बार कोड फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ अपना IP 192.168.1.24 और पासवर्ड। और अब की बार जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो देखते क्या होता है। ठीक है, तो देखा कि RDP चल गया, तो सिर्फ जस्ट एक लाइन मैंने लिखी है। ठीक है, जस्ट मैंने एक लाइन लिखी है और उसकी वजह से RDP चल गया। बट आप जो मैंने स्टार्ट में सेटिंग बताई है वो सेटिंग भी मेक श्योर करना कि ऑलरेडी रनिंग है और एक लाइन। अच्छा, आप मेरी बात सुने, अब यहाँ पर आप कहते हैं कि ये वो कोड नहीं है जो मैंने वीडियो में दिखाया है और जो अपलोड किया है। तो मेरे भाई, जो मैंने कोड अपलोड किया है जो आपके पास ऑलरेडी है, उसमें जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट ये एक लाइन ऐड करनी है, ये वाली लाइन ऐड करनी है और अपना कोड चला कर देखना है, और उसके बाद जो मैंने सर्विसेज बताई हैं वो इनेबल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप यही कहोगे कि वाकई ये वही कोड है और ये चल भी रहा है ये लाइन ऐड करने के बाद। अगर अगर नहीं यकीन, तो मैं एक बार फिर से इसको आपको दिखाता हूँ। किया मैंने कोड स्टॉप, रन किया, ओके, मैं पासवर्ड दोबारा लिखता, ठीक है, कनेक्ट किया और देखो RDP कनेक्ट होकर आपके सामने आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो RDP का मसला आ रहा था वो अब समझ आ गया होगा। मिलते हैं। अच्छा सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो, आखिरी बात तो सुनते जाओ। तो पहले जब मैंने ये कोड बनाया था तो मैंने उसमें ये लाइन तो ऐड नहीं की थी और फिर भी मेरा RDP चल रहा था, तो अब क्या हुआ कि ये लाइन क्यों ऐड करनी पड़ी? अरे भाई, बात सुनो, जब से विंडोज़ 10 की अपडेट आई ना, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो कुछ अपडेट्स की वजह से RDP की बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो नहीं काम कर रही। तो फिर मैंने उसमें एडवांस सेटिंग की ये लाइन ऐड की और बाकी सर्विसेज को इनेबल किया और विंडोज़ फायरवॉल से जाकर RDP को अलाउ कराया। फिर उसके बाद मैंने ये लाइन का इजाफा किया, तब RDP चलने लग पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपका भी चल जाएगा।
तो अगर आपने आरडीपी का मुकम्मल समझना है तो आपको इसकी पार्ट वन की वीडियो और पार्ट टू की वीडियो और ये जो मैंने अभी वीडियो स्पेशल बनाई है आप सबकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो ये तीनों वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपको आरडीपी समझना है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो कर लो ना मेरे भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, इसमें आपका क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ देखने की मिल जाएंगी। और ये है कि आपको मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।